हेलो दोस्तों, आज मैं आपके पास दोबारा से आया हूँ। आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाने वाला हूँ, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल वो चैप्टर है जिसको आपने क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा था। क्लास नाइन्थ में जो पॉलिनोमियल आपने पढ़ा, वही सेम चीज यहाँ पे आपने क्लास टेंथ में भी पढ़ना है। टॉपिक सारा सेम है, बस थोड़े से एडवांस कर दिया गया इसको, बस थोड़ा सा हल्का सा एडवांस कर दिया गया। कुछ नई चीजें हैं जो आपको इसके अंदर एड करा गया है। ठीक है जी, तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के अंदर जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि हम पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल्स हमारे पास गिवन है, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या रख दें ताकि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, उस वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे एक पॉलिनोमियल लिखा 2x + 3 = 0। हमारे पास यहां पे एक लीनियर पॉलिनोमियल है 2x + 3 = 0। ठीक है जी, अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यह हुआ कि यहां पे हम x की क्या वैल्यू रख दें ताकि इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये आपने पहले क्लास टेंथ में नाइन्थ में पढ़ रखा है, हम एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो हम यहां पे जैसे आपने पढ़ा है कि 2x + 3 = 0 है, देन अगर हम 3 को इधर लेके जाते हैं राइट हैंड साइड में, देन 2x = 0 - 3, 2x = -3, x = -3/2। बहुत सारे बच्चों को यह चीज क्लियर है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने एक बार रिवीजन के लिए, और आप भूल भी गए होंगे, रिवाइज करने के लिए मैंने दोबारा से यहां पे इस टॉपिक को आपको बता दिया। तो अब हमारे पास यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। ये -3/2 क्या बताता है? ये -3/2 ये बताता है कि अगर इस गिवन पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू को हम -3/2 रखते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जानी है, जीरो। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, 2x + 3 = 0। हमने 2 × x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -3/2 + 3 = 0। ठीक है जी, 2 के बदले 2 रखा, x की वैल्यू यहां पे पुट करिए, प्लस का साइन प्लस है, 3 का 3 लिख दिया। ठीक है, अब 2 से 2 ये कट गया, हमारे पास क्या बच गया, -3 + 3 = 0, है ना। सो -3 + 3 की वैल्यू कितनी होगी, 0 = 0, हेंस हमारे पास LHS = RHS। तो ये हमने पढ़ा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आई थिंक आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अभी हमने आपको रिवाइज करवाया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि आपने पहले ही क्लास नाइन्थ में पढ़ रखा था। अब हम प्रॉपर क्लास टेंथ पे शिफ्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी का भी जो हमारे पास सिलेबस है, हम उस पे आ रहे हैं। हम अभी आ रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज आपने नाइन्थ में नहीं पढ़ा, उसी को हम टेंथ में पढ़ रहे हैं। जैसे 2.1 में जैसे ही आप जाओगे, पहला क्वेश्चन जो है इसमें एक ही क्वेश्चन है जिसके 6 पार्ट्स हैं, और यही क्वेश्चन है, सारे सेम है। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी आप करोगे नहीं होने पे, आप मेरे को नीचे नंबर गिवन है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी डाउट हो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आपके पास ये दिया हुआ है y = px एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपने क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं दोस्तों। हमारे को यहां पे ना तो पॉलिनोमियल का पता करना है, ना ही उसके जीरोस का के बारे में पता करना है। हमें ना तो ये पता करना है कि पॉलिनोमियल क्या है, ना ही हमारे को ये पता करना है कि जीरोस क्या है उसके। हमारे को सिर्फ ये बताना है कि जो भी ये जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस पॉसिबल हैं, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, हमारे को सिर्फ ये पता करना है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, इसको पता करने के लिए हमारे पास इधर गिवन है y = px। ये y को आप इग्नोर करोगे, ये y इस पॉलिनोमियल का नाम है, ये y इस पॉलिनोमियल का नाम है। इस y की यहां पे ये y एक्सिस आपको दिख रहा होगा, इस y एक्सिस की भी यहां पे बात नहीं की जा रही है। यहां पे हम y के जगह पे m, n, q, p कुछ भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ इस पॉलिनोमियल का नाम है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, px, दैट मींस हम यहां पे ग्राफ के अंदर देखेंगे x एक्सिस पे, ये हमारा x एक्सिस है। अब इस x एक्सिस पे आने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो कर्व है, ये x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, कितने बार इंटरसेक्ट करा इसने, 1 2 3 4। इसका ये मतलब हुआ कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस हैं। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास एक और ग्राफ में दे देता हूं जैसे आपको, अब आप बताइए इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। तो यहां पे हम जब फिर से देखते हैं तो एक्स एक्सिस को यहां पे ये कर्व कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार इधर और एक बार इधर, तो कितने जीरोस हो गए यहां पे, 2 जीरोस हो गए। तो इस तरह से आप ये बता सकते हो गिवन ग्राफ के थ्रू कि इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, और ये हमने इसमें बताया। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है आपका गाइस, उसके अंदर कंप्लीटली सिर्फ इसी क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। आई होप आप उन पार्ट्स को बड़ी आसानी से सॉल्व अब कर पाओगे। तो दोस्तों अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास अब है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में हमारे को बताना है, निकालना है जीरोस। पॉलिनोमियल्स हमारे पास गिवन है और उनका हमारे को जीरोस निकालना है। तो जीरोस आपने पहले भी निकाला था भाइयों, निकाला था ना, जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे क्लास 9th में, वही चीज यहां पे सेम करना है, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ना है। वो क्या बढ़ना है, वो हमारे को पढ़ाना है, बताना है यहां पे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है जी। अब यहां पे हम इस हमारे पास एक यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे को पहले इसका जीरोस निकालना है और बाद में इसके जीरोस के रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं इसके कोएफिशिएंट से, ठीक है जी। तो अब हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, इससे पहले यहां पे हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स है वो पहले है a इज इक्वल टू हमारे पास है 3, b इज इक्वल टू है -1, c इज इक्वल टू है -4। ये हमारे पास गिवन है, इसका इस्तेमाल हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जीरोस को निकाल लेते हैं, ठीक है ना, जीरोस को निकाल लेते हैं। तो जीरोस को निकालने का तरीका आपको पता होगा, पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है 3x² - x - 4, ये हमारे पास गिवन है इज इक्वल टू, हमने लगा दिया यहां पे 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट जब हम इस पॉलिनोमियल का करेंगे तो पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है हमारा और जो लास्ट टर्म कांस्टेंट है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3x² को मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम 4 से, क्या आ जाएगा हमारे पास, 12x², ठीक है जी। 3x² को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 12x². अब इस 12 से हमारे को क्या लाना है, -1 लाना है। 12 से क्या लाना है, -1 लाना है। तो 12 को आपने इस तरह से फैक्टराइज करना है कि आप जब उसको स्प्लिट कर दो 2 पार्ट्स में, देन वो प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, -1, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जैसे 12 था, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया 3 एंड 4, 3 4 जा क्या होता है, 12, और 3 - 4 कर देंगे अगर तो क्या आ जाएगा, -1। तो यहां पे यही हमारे को पुट करना है। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3x² + 3x - 4x - 4 = 0, ठीक है बेटे। अब 3x² + 3x - 4x + 4 = 0। अब अगला स्टेप आपको पता है, इन फर्स्ट 2 से एंड नेक्स्ट 2 से हमारे को क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। तो 3x² + 3x के अंदर क्या कॉमन है, 3 एंड x, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, x इसके अंदर भी है और x इसके अंदर भी, तो कॉमन ले लिया हमने। अब 3x² से 3x कॉमन लेने पे हमारे पास क्या बच गया, इधर x बच गया, प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे, 3x को 3x से डिवाइड देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, ठीक है जी। इधर हमारे पास माइनस है 4x, तो हम यहां पे 4 को कॉमन ले लेते हैं, x -minus + 1 = 0, ठीक है। अब ये दोनों हमारे लगभग सेम होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया 3x - 4 and x + 1 = 0, ये हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करा। फैक्टराइज करने के बाद अब हम यहां पे x की दोनों वैल्यूज को, x - 4 = 0 and 3x = 0 + 4 3x = 4 x = 4/3, फर्स्ट निकाल लिया पहला जीरो, सेकंड जीरो निकालेंगे, x + 1 = 0, x = 0 - 1 x = -1। तो फर्स्ट जीरो हमने निकाला, x = 4/3 एंड x = -1, ठीक है जी, x = 4/3 and x = -1, ये हमारे दो जीरोस आ गए। तो यहां तक जो हमने निकाला
वो इसमें कुछ भी नया नहीं था, इसके अंदर कुछ भी आपको नया नहीं लगा होगा, ये सारा आपने पहले ही कर चुके हो। अब इसमें नया क्या है, तो हमारे को यहां पे रिलेशनशिप बताना है। अब हम रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास होता है दो रिलेशंस होते हैं, पहला होता है सम ऑफ जीरोस। पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है जी। तो सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है जी, माइनस बी अपॉन ए। अब ये हमारा LHS हो गया, इधर का हमारा RHS हो गया, ठीक है जी। LHS सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस आपके पास क्या है, 4/3 प्लस, सम का मतलब प्लस, माइनस 1, ठीक है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 माइनस 1, इधर कुछ नहीं है, तुमने 1 डाला, एलसीएम ले लिया इसका, क्या आ गया एलसीएम 3, यहां पे हो जाएगा हमारे पास 4-3 इज इक्वल्स टू 1/3, ये हमारा एलएचएस हो गया। अब हम इधर आरएचएस सॉल्व कर लेते हैं, तो आरएचएस में हमारे पास क्या था, माइनस बी अपॉन ए। अब बेटे मैंने आपको बताया था यहां पे ए इज इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू -1, सी इज इक्वल्स टू -4, यहां पे हमारे पास क्या लेना है, हमारे को माइनस बी अपॉन ए, माइनस का फॉर्मूले का माइनस इधर आ गया, फिर क्या है बी, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1, सो हमने यहां पे लिख दिया -1 अपॉन बी की वैल्यू हमने डाल दी इधर। अब हमारे को अपॉन क्या चाहिए, ए, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पे हमने अपॉन 3 कर दिया। अब माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, तो 1/3। अब इधर हमारे पास LHS कितना आया, 1/3, एंड RHS भी हमारे पास 1/3, सो हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये दोस्तों अभी हमारा पहला रिलेशन जो है वो प्रूव हुआ है। एक और रिलेशन होता है पॉलिनोमियल्स के बीच, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब हम निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारे पास होता है इस तरह से करेंगे, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब हमारे पास प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या है 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1, इसको आप क्या लिख सकते हो, -4/3, ये हमारे पास हो गया LHS, ठीक है जी। अब RHS में जब हम आएंगे तो RHS हमारे पास क्या हो जाएगा, C अपॉन A, C की वैल्यू कितनी थी -4, A की वैल्यू कितनी थी 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया -4/3, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2.2 का, उसके अंदर फर्स्ट 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस सेम पैटर्न पे सॉल्व होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, आप नंबर नीचे गिवन है ब्लिंक कर रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई फर्दर नोट्स के लिए, आप असाइनमेंट के लिए मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा, अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक नया टॉपिक आपके लिए फिर से आता है यहां पे। अब आपके पास सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, सॉरी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात क्लियर है, आपको क्वेश्चन समझ में आया, हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। नेक्स्ट हमारे को टू फाइंड क्या करना है, हमारे को फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है वो ये है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये अल्फा एंड बीटा आर टू ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मींस x² माइनस सम ऑफ पॉलिनोमियल्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल्स टू जीरो, ये फॉर्मेट है। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर सम ऑफ जीरोस हमारे पास गिवन है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू गिवन है 1/4 एंड
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास गिवन है, माइनस वन। हमारे को क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। हमारे को क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर, तो हमने डाल दिया एक्स स्क्वायर माइनस, दैट मींस माइनस। अब अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस सम ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 1/4, तो इधर हमने लिख दिया 1/4। देन एक्स हमने इधर लिख दिया एक्स, फिर प्लस एंड फिर अल्फा बीटा, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है माइनस वन, तो हमने यहां पे माइनस वन लगाया इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आप देखोगे ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर एक्स प्लस माइनस माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। हालांकि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बन गया, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गया, तो हमारे को इस फ्रैक्शन को यहां से रिमूव करना है। वो फ्रैक्शन को हम रिमूव कैसे करेंगे, तो इसके लिए इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम इस पूरे पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, सॉरी माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4 भी आप कर सकते हो, वो वैल्यू 0 ही आनी है। 4 को एक्स स्क्वायर से करेंगे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ये 4 को 4 से कट कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो था हमारे को निकालने के लिए, जिस पॉलिनोमियल को कहा गया था, वो पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पे हमने जनरेट कर लिया है। तो दोस्तों, बच्चों, भाइयों, बहनों, बहने सब हैं यहाँ पे, तो आपको मैंने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 के कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्लियर करा दिया है। अब आपने ये कोशिश करना है कि जो भी आपके पास बुक है एनसीईआरटी की, उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर आपको एक्सरसाइज 2.1, 2.2 या कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को नीचे गिवन जो नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हो, और फर्दर नोट्स एंड असाइनमेंट्स भी आप मेरे से मांग सकते हो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।